पांच राज्यों में मोदी जी जीत रहे हैं, कर्नाटक में विकास हो रहा, ये लोग झूठा वादा करते हैं, झूठा आदू करते हैं, तो ऐसे सरकार नहीं चलेगा। ये लोग दोनों कांग्रेस और केजरीवाल एक तरह का मिला हुआ पार्टी, बिना आवाज का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह था, धान रोपने जा रहा ना 15 कमरा लगा कर, मैं गरीबों का हितैषी हूँ, कैसे कांग्रेस आ जाएगा ना तो पाकिस्तान बन जाएगा, कटोरा लेकर भीख मांगना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए, पांच राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, साथ साथ में जिस तरह से कांग्रेस जो है मैनिफेस्टो लेकर आई है, जिस तरह से वो गारंटियां लेकर आई है अपनी योजनाओं की, वाक्य में देखने लायक है। क्या लगता है कौन आएगा पांच राज्यों में चुनाव होने वाले? पांच राज्यों में मोदी जी जीत रहे हैं, मोदी जी पूरा सियोरिटी प्योर गारंटी है की जीतेंगे। हाँ, अब उनके अलावा कोई नहीं है, वो मोदी जी के बाद योगी जी आएंगे। हाँ, लेकिन बहुत कुछ लेकर आ रही है कांग्रेस, 1500 रुपए लेकर आ रही है महिलाओं के लिए, किसानों का कर्ज माफ कर रही है। हाँ, राजस्थान में किया है, कर्नाटक में आज बुरा हाल चल रहा है, रोड नहीं बन पा रहा है। हाँ, फंड नहीं है विकास के लिए। हाँ, वो पता चल गया है, कर्नाटक जीता ना तो पता चल गया कितना कर्नाटक में विकास हो रहा है। ये लोग झूठा वादा करते हैं, झूठा आदू करते हैं, तो ऐसे सरकार नहीं चलेगा। साथ में ये भी जो बोला जा रहा है की जो छात्र है उनके लिए 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए इस तरह से लेकर आ रहे हैं कि पांचवी तक के छात्रों को 500 रुपए, उससे ज्यादा 10वीं तक के छात्रों के लिए 1000 रुपए, उसके बाद 1500 रुपए। अरे जिस तरह से केजरीवाल झूठ बोल करके लिया, उसी तरह से ये लोग झूठा झूठा बोल रहा है। ये लोग दोनों कांग्रेस और केजरीवाल एक तरह का मिला हुआ पार्टी है, एक कभी ये लोग सेक्शन नहीं होगा न प्रधान पीएम कर रहा है। राहुल गांधी क्या पीएम बन सकता है? क्या कभी नहीं पीएम बनेगा? क्यों नहीं बन सकता? देखिए, बिना आवाज का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह था, अब बिना दिमाग का ये राहुल गांधी को हम लोग कैसे प्रधानमंत्री? बिना दिमाग का कैसे कह सकते हैं? जगह जगह है इसके पास, जगह जगह जा रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं। हाँ, आज अगर तमिलनाडु में डोसा बना रहा था, इडली बना रहा है राहुल गांधी, एक दिन कुली का भी काम कर लिया, उसे कहा जीत जाएगा, कहा कभी नहीं जीतेगा। अगर गरीबों के पास जा रहे हैं, खेतों में काम करवा रहे हैं, उनके घरों में जा रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिलों पे राज तो करेंगे। 15 को कैमरा लगा दे रहा है, उसमें धान रोपने जा रहा है ना, 15 को कैमरा लगा कर, मैं गरीबों का हितैषी हूँ, ऐसे करने से पब्लिसिटी बनने वाला राहुल गांधी का नहीं है। IPM कैसे बनेगा? विदेश में जाकर बोलता है इंडिया में रेप हो रहा है, कैसे रेप हो रहा इंडिया? ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा? और आपका सदन में किस मारता, अरे इसका राहुल का जो प्रेमी लोग है ना, 10 साल का उसका लाइफ इंश्योरेंस बचा हुआ है, उसका शादी करवा दे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो उसका वंश भी डूबने वाला। साथ में देखा जा रहा है महिलाओं के लिए बस भी फ्री कर रहे हैं, और बोल रहे हैं कि अगर मैं 2024 में आता हूँ तो ये जो ट्रेनें हैं उसमें भी महिलाएं कहीं ना कहीं फ्री रहेंगी। ये सब गलत बात है, ये सब भुलावा दिखावा कर रहा है, ये कुछ नहीं है, ये कभी सरकार नहीं बना पाएगा। देखिए, अगर इससे पहले जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी तो कर्नाटक में और हिमाचल में कांग्रेस आई थी, और फिर से वही कर रहा है, मिल रहा है। अरे भारत जोड़ो यात्रा करना तो हमारा बांग्लादेश ले अधू जोड़ देता है, आपका भारत जोड़ देता, लाहौर से अधू जोड़ देता, तब बोलता कि हाँ ये भारत अधू कर रहा है, भारत जोड़ रहा है। ये कुछ नहीं दिखावा, ये मोदी जी का रोड देख रहा था कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कि कैसा कितना विकास किया है मोदी जी, वही देखा है, और कुछ नहीं देखा है राहुल गांधी। क्या बात कर रहे हो, भारत तो जोड़ ही रहा है, जगह जगह तो जा ही रहा है, असर भी देखने को मिल रहा है। अब की बार राजस्थान के कुछ लोगों से हमारी बात, उन्होंने भी बोला कि हमें कांग्रेस ही चाहिए। क्या राजस्थान में रो रहे हैं किसान लोग? हाँ, जो वादा किया था ना, कुछ नहीं दे रहा है, 5 रुपया 10 रुपये खाता में डाल रहा है किसान लोग का। हाँ, अनगी बार पता चल जाएगा राजस्थान में भी सरकार आ रही है BJP की, मोदी की। राजस्थान में बोला जा रहा है कि जितने भी जो मैनिफेस्टो अब की बार लेकर आया, गारंटियां चुनावों में लेकर आए हैं कि चुनावों का जो कर रहेगा वो माफ रहेगा हमेशा के लिए। ये गारंटी तो हर समय देता है, 72,000 रुपया दे रहा था किसान को। हाँ, कहाँ दिया? किसी को नहीं दिया। हाँ, ये सब छलवा है, कुछ नहीं करने वाला ये लोग, मोदी जी के अलावा कोई नहीं है, मोदी जी के आगे दुनिया झुक रही है, भारत क्या है, दुनिया झुक रही। आज देखिए, फिलिस्तीन का समर्थन करा ना, फिलिस्तीन आज झुक गया। हाँ, आज हम लोग जीत गया। अच्छा, इजराइल। अच्छा, हम लोग का शान है, मोदी जी का शान है। अच्छा, ये पहले ही हार मान रहा। हाँ, ये आतंकवाद पहले ही हार मान गया। अब मोदी जी जीत रहे हैं, वो चुनाव में भी जीतेंगे, मोदी जी चुनाव में भी जीतेंगे। हाँ, चुनाव ऐसे कैसे कह सकते हैं? पांच राज्यों में अगर कांग्रेस आ जाती है तो कैसे चलेगा? कैसे कांग्रेस आ जाएगा ना तो पाकिस्तान बन जाएगा, कटोरा लेकर भीख मांगना पड़ेगा। पहले भी तो क्या, अरे बतिया तो मेरा सुनिए ना, अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम को यही पैदा किया था। अच्छा,
यही दाऊद इब्राहिम को पैदा किया था। क्या था, फिल्मी दुनिया का पैसा पाकिस्तान में जाता था, जो पाकिस्तान खाने खाना खाता था, आज भूखे मर रहा है पाकिस्तान। मेरा हर एक सवाल का जवाब मिलेगा मेरे पास। अच्छा, हर एक सवाल का जवाब मिलेगा? हाँ, हर एक सवाल का जवाब मैं दे सकता हूँ। ये आपका अमिताभ बच्चन बहुरूपिया रूप धारण किया था। अच्छा। जब गुलशन कुमार को मार दिया गया तो ये कांग्रेस का राज में हो रहा था। अच्छा। कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी 786 नंबर का बच लगा कर अमिताभ बच्चन अपना जान बचा रहा था। अच्छा। कांग्रेस का राज में। हाँ, FIR करके मेरे को अमिताभ बच्चन कर सकता है, मैं उससे लड़ जाऊंगा न्यायालय में भी। कैसा अपना जान बचा रहा था, कांग्रेस के राज में हो रहा था। हाँ, जिस तरह से 5 राज्यों का चुनाव आ रहा है और देखा जा रहा है, अटकलें लगाई जा रही है कि अब की बार हो सकता है राजस्थान में कांग्रेस आओ। जिस तरह से देखा जा रहा है कि अगले महीने जो है 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस आती है, बीजेपी आती है, ये तो देखने वाली बात है। वक्त तय करेगा कि किसकी सत्ता रहती है वहाँ पे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन किशन के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।